गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का 14वां पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है दिन और महीने। चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं कि दिन किसे कहते हैं और महीने किसे कहते हैं। पेज नंबर 75 ओपन कीजिए। सप्त का अर्थ है सात। एक सप्ताह में सात दिन होते हैं। दिन और रात मिलाकर एक दिन बनता है। हर एक दिन का अपना अपना नाम है। कुछ दिन ऐसे हैं जिन्हें हम दो या तीन नामों से भी पुकारते हैं। आइए सीखे सप्ताह के दिनों के नाम। तो बच्चों, सप्त का अर्थ होता है सेवन, सात। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सात। वीक में कितने डेज होते हैं? सेवन होते हैं। तो यहाँ पे ही सप्ताह में सात दिन होते हैं। और दिन किसे बोलते हैं? रात और दिन मिलकर एक दिन बनता है। 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है, तो ये मिलके एक दिन बनता है। ऐसे ही सप्ताह में सात दिन होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो बच्चों, ये तो नाम थे, लेकिन कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिनके दो या तीन नाम भी होते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सोमवार तो सोमवार ही होता है, मंगलवार भी मंगलवार होता है, बुधवार का भी एक ही नाम है। लेकिन देखिए, गुरुवार जो है इसके और दो नाम है, वीरवार, गुरुवार और बृहस्पतिवार भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट शुक्रवार है, फिर शनिवार है, फिर रविवार है, इसके एक और नाम है इतवार। तो बच्चों, सप्ताह में सात दिन होते हैं, सातों के नाम भी है, लेकिन कुछ ऐसे दिन है जिनके एक या दो या तीन नाम है। तो यहाँ पे रविवार को इतवार भी कहते हैं और जो गुरुवार है उसे वीरवार या बृहस्पतिवार भी कहते हैं। तो बच्चों, आपको दिन के बारे में तो समझ में आ गया, अब हम महीनों के बारे में पढ़ेंगे। टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। यहाँ पे महीने दिए हुए। महीनों का अर्थ होता है मंथ होते हैं और महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। जैसे दिन सात होते हैं, वैसे ही महीने 12 होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे महीनों के नाम। देखिए बच्चों, एक साल में 12 महीने होते हैं, सभी महीनों के नाम भी होते हैं। आइए जाने 12 महीनों के नाम। तो बच्चों, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं और उन सब के नाम भी होते हैं। तो क्या क्या नाम होते हैं, चलो हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 76 ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 12 महीने थे और 12 महीनों के नाम दिए थे। आपको याद तो हो गए, पहले से आप याद थे ही, अब वापस एक बार रिवाइज कर देना आप सभी। सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, केवल फरवरी 28 दिन होते हैं। चार साल बाद फरवरी में 29 दिन आते हैं। बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है ना कि एवरी मंथ में 30 और 31 डेज होते हैं। किसी किसी महीने में 30 दिन होते हैं और कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, लेकिन जो फरवरी मंथ होता है उसमें 28 दिन होते हैं और चार साल बाद लीप ईयर जिसे बोलते हैं ना, उसमें 29 दिन होते हैं। बाकी सब महीनों में 30 या 31 होते हैं, लेकिन फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? सात दिन होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ये पेज नंबर 77 देखिए, यहाँ पे आपको खाली जगह भरनी है। मंगलवार से पहले कौन सा वार आता है? तो मंगलवार से पहले कौन सा वार आता है? सोमवार आता है। रविवार को एक और नाम है ना रविवार का, तो उसे क्या, रविवार को इतवार भी कहते हैं। रविवार को हमारी छुट्टियां होती है। हमारी छुट्टी कब होती है? तो रविवार को होती है। हमारी गर्मियों की छुट्टियां कौन से महीने में होती है? मई और जून में होती है। स्वतंत्रता दिवस महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे अगस्त में। तो यहाँ पे आपको अगस्त लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, अपने जन्म के दिन और महीने के अनुसार अपनी आयु बताइए। मान लीजिए आपकी आयु 6 या 7 साल है, आज से 24 महीने बाद आपकी आयु कितनी होगी? 24 महीने का अर्थ होता है 2 ईयर्स। एक साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ पे 24 दिए तो 2 साल। अगर आप आज 8 साल 6 साल के हो तो 2 ईयर्स, 24 महीने के बाद आप 8 साल के हो जाओगे, और आप अगर 7 साल के हो तो 2 साल के बाद आप 9 साल के हो जाओगे। थैंक यू।